बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल जायके के सफ़र में आप सबका वेलकम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी मठरी बनाना। तो चलिए, ये कुछ सामान है। ये है अजवाइन एक चम्मच, ये नमक स्वाद अनुसार, और ये है एक चम्मच कसूरी मेथी, और ये है 2 टेबल स्पून तेल, ये है आधा कटोरी मैदा, और ये है 1 कटोरी चावल का आटा। तो चलिए, अब हम चावल के आटे और मैदे को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इन दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं। फिर इसमें अपनी सभी सामान डाल देते हैं, अपनी सभी चीज़ें डाल देते हैं एक एक करके। फिर इनको अच्छे से मिला लेते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छे से मिला लेते हैं सब। अब इसको पानी डालकर इसका डो तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, नहीं तो गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करते हैं। ध्यान रहे, थोड़ा ये देखिए, फिर हमने पानी डाला थोड़ा सा और अब ये इसका डो हमने बना लिया है। इसका डो बन गया है, ये इसको मुलायम नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही डो बनाना है हमें। मठरी के लिए टाइट डो बनाना है, थोड़ा सख्त। ये इसे अच्छे से हम चिकना कर लेते हैं। ये इस तरीके से इसे हम चिकना कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट के बाद देखिए, ये हमारा डो सेट हो गया है अच्छी तरीके से। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं, मठरी बनाना शुरू करते हैं, लोई बनाते हैं। फिर इसको हथेलियों पे रख के दबाते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से दबा के मठरी बना बना के रख लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें हथेलियों से प्रेस करके इसको ये गोल शेप देना है मठरी का, ना बहुत मोटी होनी चाहिए ना ही बहुत पतली होनी चाहिए। अब हम इसे छुरी की मदद से कट कर देते हैं, बीच बीच में कट के निशान लगा देते हैं। ये देखिए, ये सब तैयार हो गई हैं। अब हमने कढ़ाई में तेल चढ़ाया है। अब हम इसमें अपनी मठरियाँ एक एक करके सब डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने अपनी मठरियाँ सब डाल दी हैं, और ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगी हैं। ये देखिए, ये ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। अब इनको चम्मच से थोड़ा हल्के हल्के धीरे धीरे चला देना है इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी मठरियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। ये देखिए कितना अच्छा इनका
कलर आया है और कितनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब बाकी बची हुई भी हम तेल में डाल देते हैं अपनी। ये देखिए, ये भी हमारी हो गई हैं गोल्डन ब्राउन। देखिए एकदम कितना अच्छा कलर आया है इसका गोल्डन ब्राउन। अब इसको भी हम अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये कितनी आवाज़ से ही लग रहा है कि कितनी क्रिस्पी है ये, और ये बहुत ही टेस्टी भी हैं। आप इसे बनाइए, खाइए, ये बहुत ही टेस्टी है और क्रिस्पी है।